हेलो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे सोशल ग्रुप, ठीक है। और सोशल ग्रुप में हम एंटर कर चुके थे लीनियज में। हम आपको ये बता रहे थे कि सोशल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं। एक हमने आपको फैमिली बताया, फिर हम बोले लीनियज भी हो सकता है, क्लान भी हो सकता है, यूथ डॉर्मेट्री भी हो सकता है। अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो सोशल ग्रुप क्या होता है? सोशल ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल बाउंडेड बाय सोशल रिलेशनशिप्स, हैविंग अ कॉमन गोल एंड फॉलोइंग अ कॉमन कल्चर। ये मैं बता चुका हूँ। लीनिएज में पढ़ते हैं, ठीक है। लीनिएज भी एक इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप है, ठीक है। लीनिएज क्या होता है? जहाँ से एक डिसेंट लाइन को ट्रेस करा जाता है, डिसेंट लाइन को, ठीक है। और क्लान क्या होता है? क्लान मतलब एक कॉमन एंसेस्टर होना, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर का होना। मैं बताऊंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिसेंट लाइन क्या होती है? जहाँ से जो प्रॉपर्टी है वो ट्रेस करी जाती है कि कौन इनहेरिट करेगा, मेल लाइन में जाएगी, फीमेल लाइन में जाएगी, या दोनों ही लाइन में जाएगी, ठीक है। यूनिलीनियल डिसेंट होगा, बाइलीनियल डिसेंट होगा, मल्टीलीनियल डिसेंट होगा, ठीक है। ये हम समझेंगे, ये हम पढ़ेंगे लीनियज में, ठीक है, किनशिप में। तो इस बस इसको इतना ध्यान रखिए कि लीनियज भी एक तरह का सोशल ग्रुप है, ठीक है। अब मैं पढ़ रहा हूँ, लीनियज इज एन इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप इन ट्राइबल सोसाइटी, स्पेशली इन माले पहाड़िया। माले पहाड़िया एक ट्राइब है, ठीक है। माले पहाड़िया कहाँ की ट्राइब है बताइए? ये छोटा नागपुर रीजन के अराउंड की ट्राइब है, ठीक है। माले पहाड़िया, माले पहाड़िया छोटा नागपुर रीजन के, छोटा नागपुर प्लेट्यू ना, उसके रीजन की ट्राइब है। वहाँ पे लीनिएज एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है, सोशल ग्रुप। और क्या क्या तरह के हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया, सबसे पहले फैमिली अब रखते हैं। फैमिली एक सोशल ग्रुप है। फैमिली के बाद आप बात करते हैं लीनिएज की, लीनिएज के बाद आप बात करेंगे क्लान की, क्लान के लिए बात करेंगे आप फ्रेटरी की, फिर आप बात करेंगे मॉइटी की, मॉइटी के बाद आप बात करेंगे ट्राइब की, ठीक है। अब ट्राइब तक आने में सोशल ग्रुप्स खूब सारे हो सकते हैं। जैसे फैमिली भी एक सोशल ग्रुप है, लीनिएज भी एक सोशल ग्रुप है, क्लान भी एक सोशल ग्रुप है। एक मीनिंगफुल सोशल ग्रुप जो होगा, जो एक ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सिस्टम बनेगा, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। माले पहाड़िया में जो मीनिंगफुल सोशल ग्रुप है वो लीनिएज लेवल पे पाया जाता है। और कई सारी ट्राइब्स हैं, एस्किमो हैं, अंडमानीज हैं, वहाँ पर जो मीनिंगफुल जो सोशल ग्रुप है वो फैमिली लेवल पर पाया जाता है, ठीक है। बात समझ रही है? चूंकि ट्राइब का जो आज जो नेचर है, जो संख्या है, जो वैल्यू है, जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसमें खूब सारे लोकलाइज्ड सोशल ग्रुप्स बन गए हैं, ठीक है, जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट कल्चरल मॉडिफिकेशन के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों होता है कल्चरल मॉडिफिकेशन? क्योंकि जब ग्रुप, कोई भी एक सोशल ग्रुप बड़ा होता है तो उसमें खूब सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है। अब वो अपने आप को एक बड़े ग्रुप से कनेक्ट तो करते हैं, पर अपने अपने एग्जिस्टेंस को सुनिश्चित करने के लिए वो लोकलाइज्ड एनवायरनमेंट के कल्चरल इनोवेशंस और पैटर्न्स में ढलने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि उनका जो सर्वाइवल है वो मीनिंगफुल हो जाए। इसका क्या मतलब है? जैसे हम बात करते हैं ऑल्टी लिंगुअल की। ऑल्टी लिंगुअल ट्राइब्स क्या होती हैं? जैसे सपोज करो संथाल ट्राइब है, संथाल ट्राइब की ओरिजिनल भाषा कुछ और हो सकती है, पर अगर संथाल ट्राइब के लोग अलग अलग स्टेट्स में जाके काम करेंगे तो अलग अलग भाषाएं बोलेंगे, ठीक है, अलग अलग वस्त्र पहनेंगे, अलग अलग कल्चर्स में अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे, एसिमिलेट करेंगे, ठीक है। कुछ अच्छी चीज़ें सामने से लेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें अपनी भी लाएंगे, ठीक है। कल्चरल सर्वाइवल और कल्चरल पैटर्न्स की इनोवेशंस वो खुद भी करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? कल्चर जो है उसी पर्टिकुलर ट्राइब के डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग वेरिएशन के रूप में दिखना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। मीनिंगफुल सोशल ग्रुप क्या है? अब देखो, स्पेशली माले पहाड़िया लीनिएज प्रोवाइड्स कोऑपरेशन, ठीक है। कोई भी एक सोशल ग्रुप है वो क्या करेगा, उसका मीनिंगफुल काम क्या है? कोऑपरेशन को बढ़ाना, कन्फ्लिक्ट को कम करना, ठीक है। और रेगुलेट को, मैरिज भी करेगा, मैरिज रेगुलेट करेगा कोई भी सोशल ग्रुप। इन माले पहाड़िया पीपल मैरी विद इन द विलेज बट आउटसाइड द लीनिएज, ठीक है। अपनी लीनिएज के बाहर शादी करेंगे पर अपने ही लोकलाइज रीजन में शादी करेंगे। ये क्या है? ये एक सोशल रूल है जो सोशल ग्रुप बनाएगा, ठीक है। और उसको फॉलो क्यों करना है? क्योंकि अपने ग्रुप की सोशल आइडेंटिटी को रीइन्फोर्स रखना है, ताकि आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो मीनिंगफुल रहे और आपकी जो सोसाइटी की आइडेंटिटी है वो आगे तक चलती रहे, ठीक है। सोसाइटी जो है किसी भी प्रकार के डिफ्यूशनस और इवोल्यूशनस फोर्सेस की भेंट ना चढ़ जाए, ठीक है। ये एक व्यक्तित्व है, ये एक पहचान है एक सोसाइटी को देने की, ठीक है। आप समझिए, इन माले पहाड़िया पीपल मैरी विद इन द विलेज बट आउटसाइड द लीनिएज। इन लार्जर ट्राइबल्स सच एस मुंडा, उरांव, नागा, गोंड, भील, ठीक है, क्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके ऊपर, लीनियज के ऊपर आता है क्लान। क्लान एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है। तो
तो वहां पे क्लान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पे, मुंडा में, ओराव में, नागा में, गोंड में, भील में, ठीक है। यहां पे कुल देवता आ जाएंगे, कुल देवता मतलब कॉमन एंसेस्टर आ जाएंगे। देखो नोट्स के साथ साथ पढ़ते रहो, जो नोट्स आपको ग्रुप में दिए गए हैं वही मैं ऑर्डर में चल रहा हूं, आपको अगर डायरेक्ट पढ़ोगे बिना वीडियो के समझ में नहीं आएगा, बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिए, मुंडा हो गया, उराव हो गया, नागा हो गया, गोंड हो गया, भील हो गया, यहाँ पे क्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप है, ठीक है। और संथाल में भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है, तो संथाल में बताऊंगा। क्लान यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लान लेवल पे डिसाइड हो रहा है कि किस तरीके से कोऑपरेशन होगा, किस तरीके से मैरिज रेगुलेट होगी। माले पहाड़िया में क्लान लेवल पे डिसाइड नहीं हो रहा था, लीनियज लेवल पे डिसाइड हो रहा था। यहाँ पे हो सकता है कि पूरा एक गांव एक क्लान बना रहा हो, तो गांव के अंदर शादी करना दिक्कत है, आप गांव के अंदर शादी नहीं कर सकते। लेकिन माले पहाड़िया में आप गांव के अंदर शादी कर सकते थे, पर लीनियज के बाहर आपको करनी है, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूँ, गांव का हर एक व्यक्ति और औरत, ठीक है, एक दूसरे के भाई बहन है क्लान में, लेकिन लीनियज में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपका सोशल ग्रुप कितना मीनिंगफुल है किस लेवल पे, ये डिसाइड करेगा कि किस लेवल का कोऑपरेशन होगा और किस लेवल का मैरिज को रेगुलेट करा जाएगा, ठीक है। और मैरिज रेगुलेट करने का मतलब है आपका कल्चरल रूल क्या है, और कल्चरल रूल को फॉलो करना ही आपका दायित्व होगा, क्योंकि आप उस सोसाइटी या सोशल ग्रुप के मेंबर हैं। अगर आप उस कल्चरल रूल को वॉयलेट करेंगे, देन यू आर गोइंग अगेंस्ट द सोसाइटी, यू आर गोइंग अगेंस्ट द आइडेंटिटी ऑफ द सोसाइटी, देन यू आर गोइंग मच हार्म टू द सोसाइटी। ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये है एक्चुअल मीनिंग सोसाइटी का, क्यों सोसाइटी बनाया, ताकि लोग जो हैं आपस में साथ मिलके अपने सर्वाइवल के लिए एक मीनिंगफुल वे में अपना रोल अदा कर सकें, ठीक है। अगर सोसाइटीज नहीं बनती तो लोगों को जीने में बहुत मुश्किल आती, सोसाइटी बनी है तभी तो कल्चर्स बने हैं, या हम कह सकते हैं कल्चर्स के बनने से तो सोसाइटी बनी है। अगर कल्चर नहीं होता तो ये लाइफलाइन जो दी गई है लोगों को, ठीक है, सोसाइटी के फॉर्म में, वो नहीं हो पाती। इतना समझ में, ठीक है। तो क्लान प्रोवाइड्स कोऑपरेशन एंड रेगुलेट्स मैरिज, तो अलग अलग जो इंडिविजुअल सोसाइटीज़ हैं उनका अपना अपना तरीका है, यहाँ पे क्लान लेवल पे है, वहाँ लीनियज लेवल पे है, तो ये तरीका क्या, यही तो मीनिंगफुल सोशल ग्रुप है, ठीक है। कितने लेवल पे वो सोशल ग्रुप अपने आप को मीनिंगफुल बना पा रहा है, यहाँ पे वो क्लान लेवल पे पहुँच गया, वहाँ वो लीनियज लेवल पे था, ठीक है। इन संथाल क्लान मेंबर्स रिगार्ड्स देमसेल्फ एज सिबलिंग, जैसे मैंने बोला संथाल में क्लान के जो मेंबर्स हैं वो भाई बहन हैं, तो संथाल के अंदर जो है लोग आपस में, एक क्लान के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उसका मतलब भाई बहन शादी कर रहा है, और ये तबू है, ये इंसेस्ट है, ठीक है। इंसेस्ट तबू मतलब, इंसेस्ट मत लीजिए अभी इसको, वो अलग चीज़ है, मतलब ये जो है प्रोहिबिटेड है, ठीक है। इन संथाल क्लान मेंबर रिगार्ड्स देमसेल्फ एज सिबलिंग, सो मैरिज विद इन अ क्लान इज अ टबू, ठीक है। पीपल ऑफ सोरेन क्लान मैरी इन अदर क्लान ऑफ संथाल सच एज हंसदा मलाडी, ठीक है। अलग अलग क्लान में आप शादी कर सकते हैं, जैसे एक ट्राइब है, ठीक है, ट्राइब का नाम क्या, संथाल, तो संथाल में ट्राइब है, अब संथाल में खूब सारे क्लान होंगे, ठीक है। अब इस क्लान में इंटर क्लान मैरिजेस आर अलाउड, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लान का व्यक्ति दूसरे पर्टिकुलर क्लान के व्यक्ति के साथ शादी करेगा, एक क्लान के अंदर शादी नहीं हो सकती, ये कल्चरल रूल है, ठीक है। ये सब कौन बना रहा है, ये सोसाइटी बना रही है, और इस रूल को ही कल्चर बोलेंगे, ठीक है। चलिए, सो मैरिज विद इन अ क्लान इज अ तबू, पीपल ऑफ सोरेन क्लान मैरी इन अदर क्लान ऑफ द संथाल सच एज हंसदा मलांडी एसेट्रा, ठीक है। इन नागा क्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप दैट प्रोवाइड्स कोऑपरेशन एंड रेगुलेट्स द मैरिज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ अमंग नागा ट्राइबल्स लैंड डज नॉट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल बट टू अ क्लान। अब नागा में जो है इंडिविजुअल लैंड राइट्स नहीं है, एक तरीके से कम्युनिटी लैंड राइट्स हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि नागा में जो लैंड है टोटल वो क्लान को बिलोंग करता है, तो क्लान अगर लैंड को रेगुलेट कर रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे कोऑपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे होगा, ठीक है। तो वहां पे लैंड इज बीइंग यूज्ड टू इंक्रीज कोऑपरेशन अमंग द क्लान मेंबर्स, नागा ट्राइब की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। क्लान हेड इज द कस्टोडियन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेज, ठीक है। यहाँ पे क्लान जो है वो कस्टोडियन बन गया लॉ एंड ऑर्डर का, इतना करना है। तो सोशल ग्रुप किस लेवल तक हो सकता है आप समझ पा रहे हैं, फैमिली भी हो सकता है, लीनियज भी हो सकता है, क्लान भी हो सकता है, ठीक है। अब यूथ डॉर्मेट्री की बात करता हूँ, यूथ डॉर्मेट्री भी एक तरह का ग्रुप है, ठीक है। क्या ये सोशल है, हाँ है, सोशल ग्रुप है, क्यों, क्योंकि इसमें मेंबर्स हैं कॉम रिलेशनशिप से बाउंड हैं, किस तरह की रिलेशनशिप, जो सीनियर है वो जूनियर को ट्रेन करेगा, ठीक है, और वो सब एक पर्टिकुलर ट्राइब को बिलोंग कर रहे हैं, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव के साथ आए हैं, तो गोल भी है,
ठीक है, गोल है ना इनका, यूथ डॉर्मेटरी में पढ़ाया पूरा गोल वगैरह सब कुछ, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूँ, यूथ डॉर्मेटरी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप, ठीक है, अमंग मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स, ठीक है। यूथ डॉर्मेटरी इज अ क्लब ऑफ अनमेरिड बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, नोन डिफरेंटली इन डिफरेंट ट्राइबल्स, ठीक है। अब कुछ क्लब्स बने होते हैं, क्लब समझते हैं, एक ट्राइब है, उस ट्राइब में, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन में अगर वो ट्राइब रह रही है तो उस रीजन से थोड़ा सा दूर हटके एक छोटा सा हाउस बनाया जाता है, ठीक है। जब आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने शायद कोनियक नागा का किसी का दिखाया है, ठीक है, मुरोंग दिखाया है, मुरोंग, ठीक है। उस मुरोंग को देखोगे जब आप मैं भी भारत में, तो वो एक यूथ डॉर्मेट्री है। तो जहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्राइब रह रही है उससे थोड़ा सा दूर हटके एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, वहाँ पे उसको यूथ डॉर्मेट्री का नाम दिया, ठीक है। इन लोगों ने नहीं दिया, इनका अपना अलग नाम है, इनको थोड़ी ना इंग्लिश आती है। जैसे इनके हिसाब से अगर वो मुरिया गोंड ट्राइब है तो उसको गोतुल बोलेंगे, मुंडा और हो है तो उसे गिटियोरो बोलेंगे, ठीक है, ओराव है तो धुमकुरिया बोलेंगे, जुआंग है मजांग बोलेंगे, कोनियक नागा है तो मुरोंग बोलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग ट्राइब्स हैं और उनका इंस्टीट्यूशन लगभग एक जैसा है, ठीक है। अलग अलग तरीके से उस इंस्टीट्यूशन में जो है एकल्चरेशन किया जाता है, ठीक है, कल्चरेशन सॉरी मतलब सोशलाइजेशन किया जाता है, सॉरी। क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे एक पर्टिकुलर ट्राइब के बच्चे हैं, ठीक है, अब उनको सोशलाइज करना है, तो एक तरीका है कि पेरेंट्स करें, और एक और तरीका है कि जो बच्चे बड़े हो गए हैं वो जो हैं अपने यंग बच्चों को सोशलाइज करें डिफरेंट डिफरेंट वे में, ठीक है। अब वो किस तरीके का वे हो सकता है, वो हंटिंग का वे हो सकता है कि किस तरीके से हंटिंग करी जाती है, किस तरीके से हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे ट्राइब के, किस तरीके से हमारे सुपर हीरोज जो रहे हैं उनकी स्टोरीज हैं, ठीक है, बहुत तरीके हैं। और एक तरीके से इन बच्चों की सोशल एनर्जी को चैनलाइज करता है ये यूथ डॉर्मेट्री का इंस्टीट्यूशन, जो इस ट्राइब के डेवलपमेंटल और सोशल वेलफेयर के काम को सुनिश्चित कराता है, ठीक है। कोनियक नागा में जो बच्चे हैं यूथ डॉर्मेट्री में जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, पढ़ते मतलब सीखना होता है एक तरीके का, यहाँ पे इनकी एजुकेशन मींस टू एक्सपीरियंस द थिंग्स, ठीक है, रियल लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपको यूथ डॉर्मेट्री में दिया जाता है। वहाँ पे ये नहीं कि आपको पढ़ा रहे हैं ए बी सी डी, ये कुछ नहीं है, इनका तरीका अलग है, ठीक है। अब हंटिंग कैसे करते हैं ये बताया जाता है, अगर कोई जानवर आ जाए सामने तो आपको किस तरीके से बचना है ये बताया जाएगा, ठीक है। किस तरीके से हम लोग कम्युनिटी डांस करते हैं, कौन कौन से त्यौहार हैं, उन त्यौहार के पीछे मिथ्स क्या हैं, ठीक है, क्यों ऐसा फॉलो किया जाता है, ठीक है, ये सब इनको सिखाया जाता है। और एक सेक्स एजुकेशन भी इनका पार्ट है, ठीक है, बात समझ में आ रही। केवल सेक्स एजुकेशन को देखते हुए लोगों ने इनको क्रिटिसाइज, सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी के लोगों ने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे करके ये यूथ डॉर्मेट्री के इंस्टीट्यूशन आज समाप्ति की ओर हैं। ये स्ट्रक्चर्स तो आपको दिख जाएंगे डिसइंटीग्रेटेड फॉर्मेट में, पर ये आज वेल रन इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि इनको आज मॉडर्न सिस्टम से मॉडर्न एजुकेशन ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो यूथ डॉर्मेट्री के इंस्टीट्यूशन है सोशल एनर्जी को चैनलाइज किया था, ताकि लोगों के वेलफेयर के लिए, अपने ट्राइब के वेलफेयर के लिए काम कर सकते थे, ठीक है, और ये चला आ रहा था काफी हजारों सालों से, ठीक है। तो आप देखिए कि ये पैरेलल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पैरेलल कल्चर का एक प्रतीक है, ठीक है, कोई इंट्रैक्शन नहीं इन ट्राइब्स में, और इन्होंने एक तरह का इंस्टीट्यूशन बनाया है, ठीक है, बात समझ में। मैंने क्या बोला था आपको, सिमिलर टाइप का एनवायरमेंट, सिमिलर ट्राइब की प्रॉब्लम, तो सिमिलर टाइप का कल्चर बन सकते हैं, ठीक है। ईपीसी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है पैरेलल कल्चर का, ठीक है। और आपको मैंने बताया था मैनकाइंड इज वन, इंसान के सोचने का तरीका एक है, तो कल्चर्स बनने का तरीका भी एक है, ये भी आपको बताया गया है। तो यूथ डॉर्मेट्री के इंस्टीट्यूशन है वो एक एक फॉर्म है जो डिफरेंट ट्राइब्स ने बनाया, ठीक है, क्लियर हो गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी एक पैरेलल कल्चर का फॉर्मेट है, ठीक है। अब ये थोड़ी था कि इन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया कि आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, हम एक तरह का इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, नहीं, हम एक तरीके की खेती करेंगे, नहीं, वो डिमांड थी, वो नीड थी, इसीलिए वो इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ। इंस्टीट्यूशन ही ये सोशल ग्रुप है, ठीक है। वैसे हमने इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी है, इंस्टीट्यूशन इज अ प्रोसीजर और मैकेनिज्म थ्रू विच अ सोशल ग्रुप, थ्रू विच अ सोशल ग्रुप ट्राइज टू अचीव इट गोल। यहाँ पे यूथ डॉर्मेट्री जो है एक ग्रुप भी है, इंस्टीट्यूशन भी है। यूथ डॉर्मेट्री में जो लोग हैं वो मिलकर सोशल ग्रुप बनाएंगे, और यूथ डॉर्मेट्री एक इंस्टीट्यूशन है, एक मैकेनिज्म है, जिसके जरिए वो जो लोग सोशल प्रोसीजर फॉलो करते हुए, सोशल ग्रुप जो लोग हैं, सोशल ग्रुप है, वो अपना गोल सोशलाइजेशन का, ठीक है, अपने ग्रुप को आइडेंटिटी देने का वो अचीव करेंगे। इतना क्लियर हुआ। चलिए, डॉर्मेट्री इन दीज ट्राइबल्स प्रमोट कोऑपरेशन एंड प्रिजर्व दियर कल्चर। अगर ये यूथ डॉर्मेट्री खत्म होता है तो किस तरीके से आप कल्चर्स को प्रिजर्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है।
अब इंस्टीट्यूशन के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ, बस सुनिए। द टर्म इंस्टीट्यूशन इज यूज्ड इन सेवरल सेंसेस। इन वन सेंस इंस्टीट्यूशन रेफर्स टू द प्रोसीजर थ्रू विच द ग्रुप सोशल ग्रुप अटेंड इट्स गोल। फैमिली इज अ ग्रुप वाइल मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, बता चुका हूँ। फैमिली एक ग्रुप है पर मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। द एम ऑफ द फैमिली इज टू मेंटेन इट्स कंटिन्यूटी। फैमिली अचीव्स दिस गोल थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ द कपल एंश्योर्स कंटिन्यूटी। ना ही फैमिली की कंटिन्यूटी नहीं केवल नामात्र, ठीक है, फैमिली के साथ साथ सोसाइटी भी कंटिन्यूस फॉर्मेट में चलती रहेगी। तो मैरिज एक इंस्टीट्यूशन, एक प्रोसीजर है जिसके जरिए सोशली एक्सेप्टेड कपल्स जो हैं वो बच्चे प्रोड्यूस करेंगे और वो बच्चे जो हैं समाज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, उन प्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन से जो बच्चे प्रोड्यूस हुए, ठीक है, और सोशलाइजेशन से जो बच्चों में कल्चर्स इम्पार्ट हुए, इसी से तो जो समाज है, सोशल आइडेंटिटी है, वो रीइन्फोर्स होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। द एम ऑफ द फैमिली इज टू मेंटेन इट्स कंटिन्यूटी। फैमिली अचीव दिस गोल थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ द कपल एंश्योर्स कंटिन्यूटी। इन अदर सेंस द टर्म इंस्टीट्यूशन इज यूज्ड एज एन एजेंसी ऑफ अ सोसाइटी टू सर्व डिफरेंट पर्पस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इन दिस सेंस वी यूज द टर्म मेडिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल का की पर्पस है लोगों की ज्यादा से ज्यादा जिंदगी को बचाया जाए, तो गोल है। वहां पर जो लोग जा रहे हैं वो भी एक फॉर्म का सोशल ग्रुप है। ठीक है, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव सेम है कि हम किसी भी तरीके से इस बीमारी से निजात पा सकें। ठीक है, तो वो लोग आपस में एक सेम तरह की पीड़ा उनके अंदर है। ठीक है, दे आर शेयरिंग अ सेंस ऑफ मतलब एक फियर है कि मतलब कि बीमारी हमको नुकसान ना कर दे। ठीक है, एक सेंस ऑफ फियर है। ठीक है, एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है जो डॉक्टर्स हैं उनके प्रति, उन पर विश्वास है जो पेशेंट्स आ रहे हैं। तो हॉस्पिटल भी एक फॉर्म ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं कह सकते, मेडिकल इंस्टीट्यूशन बेटर फॉर्मेट में कह सकते हैं। ठीक है, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, क्राइम को कम करना है, एक हमें डिटरेंस क्रिएट करना है, हमें सजा देनी है, गोल्स हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मॉडर्न एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्पार्ट करना, अच्छे इंडिविजुअल्स बनाने हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन डिफरेंट फॉर्मेट में हम दे सकते हैं, पर जो आपको हम इंस्टीट्यूशन की बात बता रहे हैं वो एकदम प्राइमरी लेवल पे है। ठीक है, एकदम समाज से जुड़ा हुआ जो इंस्टीट्यूशन है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो मैरिज है एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, फैमिली क्या है? एक सोशल ग्रुप है। दो थ्रू दिस इंस्टीट्यूशन, जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? इट इज सर्विंग द मेडिकल पर्पस ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्विंग द एजुकेशन पर्पस ऑफ द सोसाइटी। उसी तरीके से जो ट्राइबल सोसाइटी है वहाँ पे यूथ डॉर्मेट्री एक सोशल इंस्टीट्यूशन है विच प्रमोट्स द कोऑपरेशन एंड प्रिजर्व्स द कल्चर इन द सोसाइटी। ठीक है, ग्रुप ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। एवरी सोसाइटी इज मेड अप ऑफ ग्रुप। हर एक सोसाइटी ग्रुप से बनी हुई है, खूब सारे ग्रुप हो सकते हैं। ट्राइबल सोसाइटी सिंपल और लार्ज इज मेड अप ऑफ किनशिप ग्रुप्स। ठीक है, इन एस्किमो, जैसे एस्किमो की बात करते हो तो एस्किमो में खूब सारे फैमिलीज हैं। एस्किमो बुशमैन, ओंगे, ओंगे कहाँ की ट्राइब बताइए? बुशमैन अफ्रीका की है या ऑस्ट्रेलिया की है? एक बार देखिए, ऑस्ट्रेलिया की है, कहाँ की है? अफ्रीका की है। ओंगे कहाँ की ट्राइब है? अंडमान निकोबार की। एस्किमो कहाँ की ट्राइब है? अलास्का की ट्राइब है। तो यहाँ पे जो फैमिली हैं वही मीनिंगफुल सोशल ग्रुप हैं। मीनिंगफुल सोशल ग्रुप मतलब वही मिलकर सोसाइटी बना रहे हैं। माले पहाड़िया में लीनिएज जो है मीनिंगफुल सोशल ग्रुप है, तो वो मिलकर सोसाइटी बना रहे हैं। मुंडा भील गोंड में क्या है? इसमें पूरा है फैमिली से, लीनिएज, क्लान, फ्रेडरी, मोइटी ट्राइब, मोइटी तक है। ठीक है, वहाँ पे वो मिलकर सोशल ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, एक ट्राइब जो है वो सोशल ग्रुप बन रही है पूरी तरीके से। तो वो डिफरेंट लेवल पे आ सकते हैं कि कौन सा लेवल जो है मीनिंगफुल है। जैसे मुंडा भील गोंड की मैं बात कर रहा था, मैं क्लान को आपको बताया था कि क्लान एक मीनिंगफुल सोशल ग्रुप है, जहाँ पे आपके कुल देवता हैं। कुल देवता समझते हैं टोटम है या फिर कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो अब बात करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। जैसे एक समाज है, समाज अगर हम इतिहास में जाते हैं तो वो ज़्यादा इगैलिटेरियन था। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वेल्थ आया लोगों के पास, स्टेटस आया, पावर आया डिफरेंट फॉर्मेट्स में, तो समाज जो है वो स्ट्रेटिफाई होना स्टार्ट हुआ। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जहाँ पे लोग जो हैं अपने आप को समाज से अलग करके देखना स्टार्ट कर दिए, या फिर अपने आप को दूसरों से अलग, अपनी आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में समाज से अलग कट छट के अलग खड़े हो गए। ठीक है, किस वे में? स्टेटस, पावर और वेल्थ के चक्कर में। ठीक है, तो इट रिफर्स टू डिफरेंशियल रैंकिंग ऑफ द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, स्टेटस एंड पावर। याद रखिए, इनकम, स्टेटस एंड पावर, SIP। ठीक है, वेस्टर्न सोसाइटी स्पेसिफाई ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। जैसे हम वेस्टर्न सोसाइटी में बात करते हैं, वहाँ पे जो क्लास है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, किस बेसिस पे? मनी के बेसिस पे। ठीक है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। इंडिया में जो जो ये स्ट्रेटिफिकेशन है, ये डिफरेंट फॉर्मेट में है। ये हॉरिजॉन्टल भी है, ये वर्टिकल भी है।
ये जो है क्या है, ये दोनों पैटर्न से बटा हुआ है, ये इकोनॉमिक पैटर्न पे भी बटा हुआ है, सोशल पैटर्न पे भी बटा हुआ है। अगर हम इकोनॉमिक पैटर्न पे बात करते हैं तो लोगों के हाथों में पैसा आना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने अपने आप को अलग करके देखना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि हम अपर स्ट्रेटा को बिलोंग करते हैं, वी बिलोंग टू अपर स्ट्रेटा, वी बिलोंग टू द रिच क्लास, ठीक है, या वी बिलोंग टू अपर रिच क्लास, या वी बिलोंग टू अपर मिडिल क्लास, इस तरह की स्ट्रेटेजी आने। और लोग सरकारों ने मकान भी बनाए, LIG का मकान, MIG का मकान मकान बनाए ना, मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, ठीक है, हायर इनकम ग्रुप, HIG का मकान सरकार खुद बनाती है, ठीक है। अलग अलग फॉर्मेट में लोगों के हाथों में जैसे जैसे पैसा आया तो उस हिसाब से इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन भारतीय समाज में भी हुआ है, जैसे कि वेस्टर्न समाज में हुआ है। एक और स्ट्रेटिफिकेशन है जो भारत में बहुत पहले से चला आ रहा है, वो आज भी है पर डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है, हम उसको एक तरह से नकार नहीं सकते वो, क्योंकि वो भारत की सच्चाई है, क्योंकि इट इज़ अ कल्चर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कल्चर जिसमें जाति व्यवस्था है, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, ठीक है, ये है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। एक है इकोनॉमिक वे ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, एक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो कास्ट के बेसिस पे भी लोग डिवाइडेड हैं और इनकम के बेसिस पे भी डिवाइडेड हैं। किस फॉर्म में, जैसे अगर मैं बात करता हूँ ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण जो है उसमें अमीर ब्राह्मण भी हैं, गरीब ब्राह्मण भी हैं, वैश्य में भी हैं, क्षत्रिय में भी है, शूद्रास में भी है, ठीक है। तो पहले तो आपने कास्ट के बेसिस पे डिवाइड किया, फिर इस कास्ट में भी डिवीजन आया इकोनॉमिक बेसिस पे, जिसके पास ज्यादा पैसे हुआ, ठीक है, एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप में, वो अपने आप को उस कास्ट ग्रुप से अलग हटके देखने लगा, हम उस कास्ट को बिलोंग तो करते हैं बट हम अमीर हैं, वी बिलोंग्स टू अपर रिच क्लास, ठीक है। तो दो तरह के स्ट्रेटिफिकेशन भारत में पाए जाते हैं, कास्ट के बेसिस पे भी और वेल्थ के बेसिस पे भी, ठीक है। फिर बात आती है पावर के बेसिस पे, ठीक है, पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, ठीक है, थीके? जैसे सपोज करिए खूब सारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, खूब सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके पास भी पावर होती है। पावर मतलब यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द एबिलिटी टू कमांड द पीपल यू आर रूलिंग, रूलिंग या फिर आप उनसे कुछ काम करा सकते हैं, ठीक है, और आपकी वो बात मानेंगे, ठीक है। इफ यू हैव अ लॉट नंबर ऑफ पीपल अंडर यू, ठीक है, जो आपके कमांड पे चलते हो, देन यू हैव द पावर, और उस पावर के चक्कर में भी लोग अपने आप को समाज से अलग खड़ा करके अपने आप को देखते हैं। तो ये है फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, इनकम, स्टेटस और पावर। अब मैं पढ़ रहा हूँ, इंडियन कास्ट सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिचुअल ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन, प्यूरिटी और पॉल्यूशन पे, हम अपर कास्ट के हैं, आप लोअर कास्ट के हैं, ये एक स्ट्रेटिफिकेशन है। फिर उस लोअर और अपर कास्ट के अंदर भी स्ट्रेटिफिकेशन है, वेल्थ के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे। केस स्टडी में बात कर रहा हूँ, SC दुबे इन द स्टडी ऑफ शमीरपेट, तेलंगाना के गाँव है शमीरपेट, वहाँ पर उन्होंने काम किया था, MN श्रीनिवास ने काम किया है, रामपुरा में एक फिक्शियस गाँव है, फिक्शियस दिमाग का खेल है, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने शो किया कि कास्ट की जो रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ इज ऑन द बेसिस ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन, ठीक है, प्यूरिटी और पॉल्यूशन के बेसिस पर ही है टोटल, ठीक है। हायर कास्ट कंसिडर देमसेल्फ रिचुअली प्योर देन द रिचुअली इम्प्योर वंस, ठीक है। हाउएवर इन ट्राइबल सोसाइटी कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कास्ट, वेयर इन कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन इज डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ इंटर कास्ट, ठीक है। ट्राइबल सोसाइटी में जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जैसे ट्राइबल सोसाइटी में जाति व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे उनका स्ट्रेटिफिकेशन अलग है, लेकिन जो हमारा हिंदुआइज सोसाइटी है वहाँ पे कास्ट इज अ रियलिटी, प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन का प्रिंसिपल चलता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्राह्मण एंड अदर कास्ट, इसमें क्या होता है, ब्राह्मण जो है अपने आप को बोलता है दैट वी आर द मोस्ट रिचुअली प्योर कास्ट एंड रिमेनिंग यू आर नॉट एज रिचुअली प्योर दैट एज वी आर, ठीक है, तो हम आपसे अलग हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को दूसरे लोगों से अलग खड़ा करना, यही तो स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है। फिर क्या होता है, अब इनमें भी इतने सारे ब्राह्मण्स हैं, उन ब्राह्मण्स में से भी कुछ ब्राह्मण्स ऐसे होंगे जिनके पास खूब सारा पैसा, वेल्थ होगा, इनकम होगा, स्टेटस होगा, पावर होगा, स्टेटस छोड़ दीजिए पावर होगा, वो बोलेंगे कि आप ब्राह्मण से हम अच्छे ब्राह्मण्स हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, पहले क्या होता था, पहले द्विवेदी होते थे, चतुर्वेदी, आज भी होते हैं, टाइटल्स आज भी हैं, द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। चतुर्वेदी वो जिन्होंने चारों वेद पढ़े हैं, त्रिवेदी वो जिन्होंने तीन वेद पढ़े हैं, द्विवेदी वो जिन्होंने एक वेद पढ़ा है। तो चतुर्वेदी बोला जाता है कि हम बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, त्रिवेदी बोलता हम उतने बड़े ब्राह्मण नहीं हैं, और द्विवेदी सबसे नीचे वाले ब्राह्मण हैं। तो इस तरीके से भी डिवाइड पहले देखा जाता था,
ठीक है, बट इन द ट्राइबल स्ट्रेटिफिकेशन इज इंट्रा ट्राइबल्स। अब ट्राइबल की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे इंट्रा ट्राइबल्स है। मुंडा कैन नॉट बी रैंक हायर और लोअर देन संथाल और गोंड। यहां पे क्या है कि कौन सा ट्राइबल कौन किसके ऊपर आता है, ठीक है, कौन सा ट्राइबल अपने को महान मानता है। पहले क्या होता था कि इन ट्राइब्स में आपस में राइवलरी भी बहुत होती थी, ठीक है, तो जो ब्रेव होता था, जो डोमिनेट करता था एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट की मैं बात करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में यही होता था, लड़ाइयाँ बहुत होती थी, आज भी लड़ाइयाँ हैं ट्राइबल्स में, ठीक है, जो डोमिनेट करता था वो अपने आप को ज़्यादा बड़ा मानता था, जो अपने आप को ये मानता था कि हम ज़्यादा ब्रेव हैं तो हम ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। आज ये पैरामीटर्स थोड़े बदल गए हैं, ठीक है। मुंडा कैन नॉट बी रैंक हायर और लोअर इन संथाल और गोंड, बट स्ट्रेटिफिकेशन विद इन मुंडा इज डिस्कस विद इन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द मुंडास, ठीक है। अब क्या है, अब स्ट्रेटिफिकेशन विद इन द ट्राइब भी आ गया है, किस तरीके से, क्लान के बेसिस पे, ठीक है, ये वाला क्लान ग्रुप ज़्यादा अच्छा है, ये वाला क्लान ग्रुप बेकार है, ठीक है, हम इससे ऊपर है, हम उससे ऊपर हैं, तो क्लान के बेसिस पे भी ट्राइब के अंदर आ गया है, ठीक है। अब आपने ये देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर ट्राइब के लोग जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे मीना ट्राइब है, तो मीना ट्राइब में खूब सारे लोग आईएएस आईपीएस बने, ठीक है, तो उस ट्राइब में जो बन गए और जो नहीं बन पाए वो भी एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है, तो ये भी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है, इनकम वेल्थ स्टेटस पावर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, देर आर टू ट्रेंड्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी में अब क्या हुआ, एक ट्राइबल समाज है, ठीक है, समय के साथ साथ जैसे इवोल्यूशनिस्ट और डिफ्यूशनिस्ट फोर्सेस आए तो स्ट्रेटिफिकेशन की लेयर से मोटी होती चली गई, ठीक है, बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक और तरीके का इफेक्ट था इसी इन्हीं फोर्सेस के साथ, वो था हिंदुआइजेशन का, ठीक है, जो एन के बोस ने बताया था, ट्राइबल मोड ऑफ सॉरी हिंदुआइज मोड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट था, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हिंदुआइजेशन से जो ट्राइबल्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और कितना इफेक्ट होता है ट्राइबल ग्रुप पर हिंदू रिलीजन का या हिंदू के तौर तरीकों का, ठीक है, तो वो भी एक फॉर्म है, ठीक है। एक पर्टिकुलर समाज में, ट्राइबल समाज में क्या होता है, खूब सारे लोग रह रहे हैं और मोर और लेस इगेलिटेरियन है, जैसे हिंदू रिलीजन आया तो कुछ लोग कन्वर्ट हो गए, कुछ लोग नहीं हुए, जो लोग कन्वर्ट हुए वो उस पर्टिकुलर रीजन में ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हिंदू लोगों के साथ वो चले गए। एक पर्टिकुलर रीजन में अगर 100 घर रह रहे हैं तो उन 100 में से सपोज करो 20 घर जो हैं हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, 80 नहीं हुए, पर रहेंगे तो वो उसी जगह पे जिस जगह पे वो रह रहे थे पहले से, ठीक है, तो वो जो 20 लोग हैं दे हैड बिकम स्ट्रेटिफाइड कि अब हम जो हैं तुमसे अच्छे हैं क्योंकि हम जो हैं हिंदू के रिलीजन्स में चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, हम अगरबत्ती जला रहे हैं, हम जो हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, हम शेरावाली माता की फ़ोटो लगा रहे हैं, तुम जो हैं अपने कुल देवता को आज भी पूजा कर रहे हो, ठीक है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस तरह की भावना आ जाती है, तो ये अपने आप को अलग करके देख रहे हैं और अपने आप को अच्छा मान रहे हैं, कौन, जो कन्वर्ट हो गए हिंदू में, ठीक है, या फिर जो हिंदू की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, भभूति लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, माला पहन रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, ठीक, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, जब ये कन्वर्ट हो गए हैं, अब अगर इनको मैं हिंदू रिलीजन के साथ कंपेयर करके देखूं तो हिंदू रिलीजन वाले इनको कन्वर्टेड मानते हैं, ठीक है, वो उनको अपने नीचे मानते हैं, ठीक है, जो 20 घर हैं जो हिंदू रिलीजन में आए हैं वो सबसे नीचे पायदान पे हैं, कहाँ पे, हिंदू रिलीजन में, क्योंकि दे आर कन्वर्टेड, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज इक्वल, ठीक है। ये केवल हिंदू की कहानी नहीं है, चाहे वो इस्लाम की बात हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की बात हो, किसी भी रिलीजन की बात हो, जो कन्वर्ट्स हैं दे आर नॉट गिवन इगेलिटेरियन पोजीशन या इक्विलेटेरियन पोजीशन, ठीक है। तो समाज में जो ये चेंज लाने की कोशिश है ये केवल और केवल स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ाने की भावना हमें दे जा रही है। ध्यान से देखो, स्ट्रेटिफाई तो कर दिया, पहले क्या था, पहले वो जो ट्राइबल सोसाइटी तो वो इगेलिटेरियन थी, वो इक्वेलिटेरियन थी, उनकी वैल्यूज इस तरीके की थी कि हम सब बराबर हैं, अगर कोई समस्या आएगी तो साथ मिलकर लड़ेंगे, कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो हम उसे साथ मिलकर सुलझाएंगे, हम कोऑपरेशन के साथ रहेंगे। ये भावना अब कम क्यों हुई, क्योंकि बाहर से जो फोर्सेस आए, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, उन्होंने कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। जब ये कन्वर्जन स्टार्ट हुआ तो स्ट्रेटिफिकेशन स्टार्ट हुआ, स्ट्रेटिफिकेशन से कन्फ्लिक्ट बढ़ने स्टार्ट हो गए। जब ये बात आई ना इथ्रोसेंट्रिक वाइसनेस की कि हम सुप्रीम तुमसे, ठीक है, तुम हमसे क्या सुप्रीम, हम तुमसे हैं सुप्रीम, ये सुपीरियरिटी की भावना जो है कन्फ्लिक्ट्स को दावत दिया, इसी की बात हो रही है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है सोशल ग्रुप को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, एक मिनट। तो हमारा जो ट्रेडिशनल व्यू था वो हिंदुआइजेशन का था जिससे स्ट्रेटिफिकेशन हुआ। आज समाज में केवल हिंदुआइजेशन नहीं हुआ है या इस्लामाइजेशन या फिर क्रिश्चियनिटी वाला नहीं हुआ है, मॉडर्न फैक्टर्स भी आ गए हैं, पैसा आ गया है, मार्केट के फोर्सेस आ गए हैं जिसने भी चीज़ों को स्ट्रेटिफाइड किया इकोनॉमिक बेसिस पे, ठीक है।
तो मॉडर्न फैक्टर में क्या लिखा हुआ है पढ़िए, ग्लोबलाइजेशन आया है, मार्केट आए हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स आए हैं, रिफॉर्म्स आए हैं बड़े बड़े, जिसके चक्कर में चीज़ें स्ट्रेटिफाइड और हुई हैं। अब हम रीडिंग मारते हैं, जैसे सम ट्राइबल ग्रुप्स फॉर एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ मुड़िया गोंड, मुड़िया गोंड कहाँ पर है, ये भी अपना मध्य प्रदेश वाला रीजन, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला रीजन, ठीक है, हु हैव संस्कृताइज दिया वे ऑफ लाइफ, मुड़िया गोंड ने क्या किया, संस्कृताइज किया। व्हाट डू यू मीन बाई संस्कृताइजेशन, जब कोई लोअर कास्ट या फिर लोअर जो ट्राइबल ग्रुप हैं वो अपर कास्ट या फिर जो हिंदुआइज ग्रुप्स हैं उनकी चीज़ों को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, इमिटेट कर रहे हैं, इसका ये मतलब वो अपने से ऊपर मान रहे हैं उन्हें, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो उनको इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि दैट वी आर मोर सिविलाइज देन यू, वी आर सुप्रीम देन यू, सुप्रीम मतलब हमारे कल्चर्स अच्छे हैं तुमसे अच्छे हैं, ठीक है, तो ये फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति क्या है कि सब कुछ अच्छा मिल जाए, अच्छा मिले और अच्छा जो है जो हमें प्राप्त हुआ है उसको लोग अप्रिशिएट करें, यही तो मानता है। आपको आईएएस आईपीएस पीसीएस क्यों बनना है, ठीक है, ताकि आप उसको अचीव करने के बाद आपकी मन की शांति तो है ही, आप एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन भी चाहते हैं समाज से, सेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन भी चाहते हैं समाज से। समाज क्या है, अगर आप जिस समाज में हैं उसी समाज के रह जाते तो बात अलग है, उस समाज से तो आपको मिलती, यहाँ पे वो चीज़ें ऐसी नहीं हैं, यहाँ पे वो समाज आपको उतना अप्रिशिएट नहीं करेगा जितना वो समाज अप्रिशिएट करेगा जिस समाज में आप जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ अलग है, ठीक है, आप एक डोमिनेंट समाज का पार्ट बनने की इच्छा रख रहे हैं, ठीक है, और उस इच्छा में आप क्या हैं, आप उस पर्टिकुलर समाज में एक सेंस ऑफ रोल मॉडल भी हो सकते हैं और एक सेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। बहुत डीप बात मैंने बोली है, समझ में आए तो कोई दिक्कत, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पढ़ रहा हूँ, सम ट्राइबल ग्रुप फॉर एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ मुड़िया गोंड हु हैव संस्कृताइज द वे ऑफ लाइफ अडॉप्टेड हिंदू वे ऑफ लाइफ, ठीक है, उसने क्या करा, गोतुल जो यूथ डॉर्मेट्री खत्म कर दिया मुड़िया गोंड ने, कि ये सब बेकार है, क्यों, हिंदू ने बोला बेकार है, भाई सेक्स एजुकेशन सिखा रहे हो, ठीक है, जो यंग लोग हैं उनको सेक्स करना सिखा रहे हैं सीनियर लोग, गलत चीज़ है ये, प्री मैरिटल सेक्स इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, ठीक है, तो इसको बताया, गलत बताया, तो उन्होंने खत्म कर दिया। दे स्टार्टेड गिविंग डाउरी इन प्लेस ऑफ रिसीविंग ब्राइड, पहले उन्हें वो मिलता था, ब्राइड प्राइस मिलती थी, किसको, मुड़िया गोंड को, ठीक है, अगर हमारे घर से बेटी जाएगी तो हमको पैसा मिलेगा, ठीक है, इनका ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था ट्राइबल्स का, लेकिन जैसे ही हिंदुआइज हुए, अगर लड़की जा रही है तो पैसा भी जाएगा, डाउरी जाएगी, ठीक है, तो इन्होंने ये करना स्टार्ट किया, एंड नाउ दे कंसिडर देमसेल्फ सुपीरियर टू मुड़िया गोंड, और ये दो काम करने, यूथ डॉर्मेट्री खत्म करा और डाउरी देना स्टार्ट किया, और फिर जिन लोगों ने किया ये मुड़िया गोंड के, ठीक है, जिस मुड़िया गोंड के जिस समाज ने ये किया वो अपने आप को मुड़िया गोंड से ऊपर उठ के देखने लगे कि वी आर हिंदुआइज्ड, ठीक है, वी हैव नॉट संस्कृत, उन मुड़िया गोंड ने जिन्होंने संस्कृताइज नहीं किया था, जो मैंने बताया था, ये एक सेंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन बनी, एंड स्टिल रिटेन गोतुल एंड रिसीव ब्रेड प्राइस, ठीक है, मुड़िया गोंड में एक ऐसा समाज है जिसने डाउरी देना स्टार्ट किया, यूथ डॉर्मेट्री को खत्म किया, और एक ऐसा समाज है जो संस्कृताइज नहीं हुआ, अपने पुराने ट्रेडिशंस के साथ अभी भी जीवित रह रहा है, ब्राइट प्राइज ले रहा है, और अब उसका जो इंस्टीट्यूशन है गोतुल वो भी सही वैसे ही चल रहा है, ठीक है, तो अब ये समाज में दो वर्ग हो गए, ये एक सेंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन आ गया, ठीक है। द अदर ट्रेंड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज कॉज्ड बाय ग्लोबलाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी, ये भी आया, ठीक है, एक पर्टिकुलर समाज है मुड़िया गोंड, वहां पे एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, वो ट्रेडिशनली कुछ काम कर रहे हैं, जंगल से कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, बेच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। मार्केट इकोनॉमी जब आई, ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड आया, तो उनका ये जो काम है उसको कंपटीशन देने के लिए चीपर फॉर्मेट के गुड्स बनने स्टार्ट हो गए और उनके आजू बाजू बिकने स्टार्ट हो गए। उसके चक्कर में क्या हुआ, इनकी बनाई हुई चीज़ें जो महंगी थी वो नहीं बिक पा रही हैं, लेस ड्यूरेबल एंड मोर कॉस्टली, ठीक है, तो इनकी जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी वो समाप्त हो गई, ठीक है, और इसी ग्लोबलाइजेशन के दौर में, ठीक है, कुछ लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को पकड़ते हुए पैसा पिला और कुछ लोगों ने पैसा नहीं कमा पाए, ठीक है, तो एक सेंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन भी आ गया, ठीक है, कुछ लोग ट्राइबल सोसाइटी में गवर्न करते हैं, सरकार के इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन के या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन के, जो भी डोमिनेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके हाथ में पावर आई, इकोनॉमिक पावर भी है और सोशल पावर भी है, ठीक है, बात समझ आ रही, तो वो भी एक सेंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है, करप्शन हुआ, कुछ भी हुआ, लोगों की भलाई काम करने से ज़्यादा, लोगों के लिए ज़्यादा काम करने के बजाय इन लोगों ने जो रूल कर रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन के, जो आपकी के ग्रुप के हैं, ठीक है, उन्होंने वेल्थ को एक्यूमुलेट किया, पावर को एक्यूमुलेट किया, तो वो भी अपने आप को समाज से अलग हटके देख रहे हैं, ठीक, अलग हटके देखें मतलब आप क्या हैं,
अगर ये समाज है तो आप इगैलिटेरियन वैल्यूज़ के पार्ट नहीं हैं, आप खुद ऐसा मान रहे हैं। जैसे अगर आप कल IAS बन जाते हैं या अगर आपकी UPSC का एग्जाम कल निकल जाता है तो आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आएगी दैट वी आर नॉट ऑफ दैट पार्ट सोसाइटी। एक फीलिंग आएगी कि आप लोगों से ऊपर उठने की क्षमता रखते हुए अपने आप को देखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कई लोग जो हैं समाज के साथ जुड़ के काम करते हैं इक्वेलिटेरियन वैल्यूज़ के साथ, पर कई लोग नहीं करते हैं, वो अपने आप को एलीट क्लास का पार्ट मानना स्टार्ट कर देंगे। तो वो भी एक सेंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है। तो स्ट्रेटिफिकेशन आ रहा है, मॉडर्न फैक्टर से भी आया, ट्रेडिशनल फैक्टर से भी आया। मैं पढ़ रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ। अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एग्रीकल्चरल ट्राइबल्स सच एज मुंडा। अब जैसे ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है, तो एग्रीकल्चरल ट्राइबल्स कुछ उपज उगाते थे, ठीक है, जैसे ग्लोबलाइजेशन आया तो मार्केट में डिमांड्स जो हैं उसको पूर्ति करने के लिए एग्रीकल्चर की डिमांड्स जो है चेंज हुई, टिल्ट हुई। ठीक है, अब जो है कैश क्रॉप का ज़माना आया, तो मुंडा ओराव कई सारे ट्राइबल्स ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैश क्रॉप की तरफ बढ़ गए। कई सारे नहीं बढ़े, तो जो बढ़ गए, जिन्होंने मिर्ची उगाई, जिन्होंने कॉटन उगाई, जिन्होंने शुगर केन उगाई, उन्होंने ज़्यादा पैसा पीटा। और जो अभी भी मक्का बाजरा उगा रहे थे उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं आया। तो ये भी एक स्ट्रेटिफिकेशन आ गया, पहले सब मक्का बाजरा उगा रहे थे, ठीक है, अब क्या है, कुछ लोगों ने मिर्ची उगाई, कुछ लोगों ने शुगर केन उगाया, कुछ लोगों ने अलग तरह की कैश क्रॉप बनाई, आलू उगाए, टमाटर उगाए, हरी मिर्च उगाई, तो इससे ज़्यादा पैसा आया। जो नहीं उगाए, जो पुराने ढर्रे पे चल रहे थे, वो कम पैसा कमाए, तो ये भी स्ट्रेटिफिकेशन है। ठीक है, जैसे मैंने बताया मुंडा ओराव हो एग्रीकल्चर ट्राइबल्स, दे हैव डेवलप्ड कॉमर्शियल एटीट्यूड, स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप, दे स्विच ओवर फ्रॉम सेरल क्रॉप टू कैश क्रॉप इन ऑर्डर टू रिसीव मोर मनी सच एज टोमेटो पोटैटो एक्सेट्रा। नाउ दे आर ग्रोइंग टोमेटो पोटैटो, एज अ रिजल्ट सम फैमिली ऑफ द मुंडा या फिर और जो ट्राइबल्स ने बताया, बिकॉज ऑफ दिस कैश क्रॉप बिकम्स रिच बट सम अदर रिमेन्स पुअर। सो अंडर द इम्पैक्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी एग्रीकल्चरल ट्राइबल्स अंडर वे स्ट्रेटिफिकेशन एंड दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द रिच एंड पुअर क्लास इन देम। ठीक है, इस तरह से रिच क्लास आ गई और पुअर क्लास आ गई। जैसे मैं बात कर रहा हूँ प्रदीप कुमार घोष की, इन द स्टडी ऑफ सिक्स ट्राइबल ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में उन्होंने काम किया, ही फाउंड इमर्जेंस ऑफ फाइव क्लासेस अमंग ट्राइब्स। एक पर्टिकुलर ट्राइब में उन्होंने पांच तरह की क्लासेस को नोट किया। सबसे पहले लैंड लॉर्ड उन्होंने देखे, फिर उन्होंने देखे रिच ट्राइबल पीजेंट देखे, फिर मिडिल ट्राइबल पीजेंट देखे, फिर पुअर पीजेंट देखे, देन एग्रीकल्चरल लेबर्स देखे। तो ये पांच तरह के स्ट्रेटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ऑल दीज ट्राइबल्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी, द रिच ट्राइबल पीजेंट्स हैव डेवलप्ड कॉमर्शियल एटीट्यूड, जो रिच हैं उनका कॉमर्शियल एटीट्यूड है, दे ग्रू कॉमर्शियल क्रॉप एंड इन्वेस्ट दियर सरप्लस इन पेटी बिजनेसेस, बट दैट इज नॉट द केस विद द मिडिल ट्राइबल पीजेंट्स एंड पुअर ट्राइबल पीजेंट्स, दीज आर एक्सप्लॉइटेड बाई रिच ट्राइबल पीजेंट्स एंड नॉन ट्राइबल लैंड एलाइट्स। ठीक है, ऑफन एथनिसिटी एंड सिंबल्स आर यूज बाई रिच पीजेंट्स टू एक्सप्लॉइट पुअर ट्राइबल्स। देखो पहले एक समाज है वो इक्वेलिटेरियन है, जब इसमें स्ट्रेटिफिकेशन आएगा तो खूब सारे वर्ग बनेंगे, और उस वर्ग में जब लोग अपने आप को जस्टिफाई करेंगे दैट वी आर सुप्रीम एक इथनोसेंट्रिक बायसनेस के साथ, तब वो एक दूसरे समाज पे जो उनसे छोटा माना जा रहा है उसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देंगे, और उसी सेंस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन से जो लोग हैं वो त्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, और हम जो बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि एक सोशल ग्रुप जो है उसकी आइडेंटिटी किस तरीके से खोती है या फिर उसकी आइडेंटिटी को किस तरह से चोट पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि खूब सारे स्ट्रेटिफिकेशन बनते हैं एक सोशल ग्रुप में समय के साथ। इतना क्लियर हुआ? तो प्रदीप कुमार घोष ने क्या बोला, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, आफ्टर प्लेसिंग अ बैन ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन गवर्नमेंट लॉन्च रीसेटलमेंट स्कीम फॉर द जुआंग विच लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द क्लास टू देम। कई बार सरकार के द्वारा भी, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा भी क्लास बनती हैं, कई बार मार्केट फोर्सेस के हिसाब से बनती हैं, कई बार ग्लोबलाइजेशन के तौर पर बनती हैं। क्लास बनने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं पर वो समय के साथ बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि समाज में इवोल्यूशनस और डिफ्यूशनस फोर्सेस एंटर करते हैं। तो ये ग्रुप आपका यहाँ तक हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन और आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। पहले मैं प्राइमरी ग्रुप बताता हूँ। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? सबसे छोटा ग्रुप होता है। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जो आपके साथ है, फेस टू फेस इंटरेक्शन डेली हो रहा है, आपका खुद का परिवार, आपके मम्मी, आपके पापा, आपकी बहन, आपका भाई, जिसके साथ आप डेली रह रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, जो भी हो सकते हैं। ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है, छोटा ग्रुप है, इंटीमेट रिलेशन है। ठीक है, मतलब आपके साथ है, फेस टू फेस है। अब इनके साथ आप रह रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी पर इनका प्रभाव और इनकी पर्सनैलिटी पर आपका प्रभाव बहुत अच्छे से पड़ेगा। तो प्राइमरी ग्रुप में पर्सनैलिटी जो है इफेक्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेंबरशिप है इनवॉलेंट्री है, आपकी इच्छा से आप इस ग्रुप में नहीं हैं। आप अपने पापा को चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी मम्मी को चेंज नहीं कर सकते हो, और आपको जो अलॉट ऊपर वाले ने कर दिया आप उनके साथ हमेशा हैं।
ठीक है, इनवॉलेंट्री है, आपकी इच्छा नहीं चलती इसमें कि मुझे ये ग्रुप नहीं चाहिए, मुझे दूसरे के परिवार में जाके उनका बेटा बनना है, ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है। ठीक है, इनिटीमेट रिलेशन में बता चुका हूँ, और ये आपका पीयर ग्रुप हो सकता है, आपका जो कॉलेज है, आपका स्कूल है, आपका जो यूपीएससी का स्टडी सर्कल है वो हो सकता है, वो आपका एक प्राइमरी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये स्मॉल इन साइज होता है, छोटा होता है, एंड इट प्लेस अ इंपॉर्टेंट रोल इन ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, ट्राइबल्स लोग आपस में रहते हैं ना मिलजुल के, तो वो भी एक तरह का प्राइमरी ग्रुप है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वगैरह काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रुप के, तो प्राइमरी ग्रुप को छोड़ के कोई दूसरा ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, वो सब सेकेंडरी है, जहाँ पे फेस टू फेस रिलेशन नहीं है मैक्सिमम टाइम, इनिटीमेट रिलेशन नहीं है, और कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। ठीक है, जैसे बैंक है, अब आप बैंक के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और आप बैंक के कस्टमर भी हो सकते हैं, तो आप एक सोशल ग्रुप का पार्ट हैं, कोई इनिटीमेट रिलेशन आपको पता ही नहीं होगा बैंक मैनेजर कौन है, बात समझ में आ रही है? तो ब्यूरोक्रेसी, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, कोई किसी के पर्सनैलिटी को इफेक्ट थोड़ी करता है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, कितने सारे कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी से या फिर नरेंद्र मोदी से वो डेली मिलते थोड़ी हैं। ठीक है, बट रिलेशन इज वॉलेंट्री, आपको पता है कि आपको कौन सी बैंक चुननी है, आपको पता है कि आपको किसको वोट करना है, कौन सी पार्टी के लिए काम करना है। ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपकी भावना आहत होती है। ठीक है, फेस टू फेस है नहीं, ये जो ग्रुप है ना सेकेंडरी ग्रुप, ये बड़े होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं, तभी तो इनकी फेस टू फेस रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, और मॉडर्न सोसाइटी में जैसे हम बात करते हैं, हॉस्पिटल हो गए, बैंक हो गए, पुलिस स्टेशन हो, खूब सारी तरीके के सेकेंडरी ग्रुप हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आज की मॉडर्न सोसाइटीज में। ये बोला जाता है कि प्राइमरी ग्रुप जो है, ठीक है, आपके साथ हमेशा है, बट सेकेंडरी ग्रुप, मतलब प्राइमरी ग्रुप आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बट सेकेंडरी ग्रुप आपकी पर्सनैलिटी को उतना इफेक्ट नहीं करता, पर वूम टू टूम सेकेंडरी ग्रुप आपको हर समय मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। एक क्वेश्चन और बनता है कि परमानेंट ग्रुप और टेम्प्रेरी ग्रुप के बारे में बताइए। तो याद रखना कि टेम्प्रेरी ग्रुप होता है जैसे जिसका गोल होता है कुछ, बट वो गोल जो होता है उस गोल को अचीव करने के बाद वो ग्रुप वहाँ समाप्त हो जाता है। ठीक है, परमानेंट ग्रुप का गोल जो होता है वो बहुत जनरल होता है, उतना स्पेसिफिक नहीं होता जितना टेम्प्रेरी ग्रुप को होता है, पर ये जो परमानेंट ग्रुप है हमेशा सर्वाइव करता है, जैसे आपकी फैमिली, आपका पीयर ग्रुप। टेम्प्रेरी ग्रुप जैसे फ्लड रिलीफ एसोसिएशन हो गया, ठीक है, फ्लड आया, फ्लड खत्म हुआ, समाप्त हुआ, वो ग्रुप समाप्त हो गया, अगला फ्लड आया, फिर नया ग्रुप बना, फिर वो फ्लड को समाप्त हुआ तो वो ग्रुप खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये खत्म हो गया ग्रुप। अब आप ग्रुप की रीडिंग कर लीजिएगा बुक से, ठीक है, और जो चीज़ छूट गई है उसे जोड़ लीजिएगा।